कैमरास, योर साइड व्यू मिरर्स, के वो पोल्स को टच ना करें। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लवली रिस्पॉन्स जो भाई जीप वाली वीडियो में आ रही है। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच भाई। व्यू देख रहे हो कितना अच्छा है। ये वैसे थोड़ा सा फ्रेम टेढ़ा होगा, ये मैंने बाइक पे लगा रखा अभी वैसे फोन ना, तो अच्छा लग रहा है भाई, व्यू एकदम बढ़िया लग रहा है। तो गाइस वैसे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा भाई, पहली बार मैंने जीप मेरिडियन चलाई। ओके, अराउंड 44 लाख की गाड़ी है ऑन रोड, ठीक है भाई, काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है, काफ़ी प्रीमियम। और सब पता है दिल से मतलब इतना अच्छा लगा ना, मतलब पहली बार गाड़ी चलाई वो भी रोड पे नहीं, पूरी भाई ऑफ रोडिंग, सारे ऑब्स्टेकल करे, सारे के सारे। और सबसे मुश्किल वाला था एक ऑब्स्टेकल, आप देखना ज़रूर। और भाई रवि भैया ने क्या गाइड किया, मतलब जेन्युइनली इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा। और ऊपर से फिर आप लोगों का प्यार, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स, थैंक यू सो मच। बस ये था कि जीप की वीडियो अगर मैं एक करता ना तो भाई पूरा ना एक घंटे की सीरीज बन जाती, रिव्यू प्लस ऑफ रोडिंग, अब ये अंदर की ड्राइव। और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि भाई मतलब 4x4 कहाँ पे एंगेज करना चाहिए, हिल असिस्ट मतलब हिल होल्ड कहाँ पे मतलब लगाना चाहिए, काफ़ी कुछ चीज़ें थी। और मेरे लिए भी भाई बहुत कुछ नहीं थी, बहुत कुछ। और आपको लग ही रहा होगा जब मेरी शक्ल देखोगे ना, तो मैं गाड़ी चला रहा था, मतलब मैं एकदम ऐसा हो गया था कि भाई कुछ हो ही ना गाड़ी को, जेन्युइनली बता रहा हूँ। और जब मैं ऊपर भी चढ़ा रहा था ना, आप वीडियो देखो फिर मिलते हैं उसके बाद। और भाई बेस्ट पार्ट जरूर बताना, अगर अभी तक किसी ने रिव्यू की वीडियो देखी तो भाई आई कार्ड पे आ रहा होगा ऑफ रोडिंग विद जीप मेरिडियन, पहली बार हमने बनाई है विद भाई सारे के सारे ऑब्स्टिकल, रॉक हो गया आपका, वो सीसो है एक और आज में वो भी देखा होगा वैसे आपने, जैसे हाईलक्स की बनाई थी भाई, सारे ऑब्स्टिकल क्लियर हो गए थे, प्लस ये मौसम और ये व्यू। आप देखो वीडियो बेस्ट पार्ट जरूर बताना, एनर्जी भाई बहुत अच्छी है, जेन्युइनली बहुत अच्छी है। गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाइक खड़ी है प्यारी सी पीछे, उसी ने मेरा फोन पकड़ा हुआ है। सो आप वीडियो देखो और बेस्ट पार्ट जरूर बताना। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इवेंट टुडे, टू शोकेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द जीप, ओके, जीप व्हीकल, राइट? सो दिस पर्टिकुलर ट्रैक हैज बीन मेड ऑन द 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ जीप। So if you see that with every obstacle there is a board which says some name. This is first for traction. Traction is written there. Yes. So traction is basically how well your tires are connected to the surface. Okay. Because then traction loose ho gaya, gaadi slip kar raha hai. So how well your traction is there on the surface? कि आप एकदम जुड़ के चढ़ रहे हो उसके ऊपर ना, तो कितना गाड़ी में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है कि वो आपको ऐसी सरफेस पे भी स्लिप नहीं होने देता है। Okay. Start moving and start talking. For these obstacles, we'll engage our four-wheel drive low here. This is normal drive? Yeah. Okay. So we'll just engage the four-wheel drive low. Okay. And it has other modes. Okay. Sand, mud, snow, auto. But अभी हम toggle करके वो कर सकते हो, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। जब आपने four low कर दिया, तो इनकी कुछ ज़रूरत नहीं है। Okay. Then auto. These are for like mild and four low is when you are doing something extreme. Okay. You need more power and traction. Okay. चलिए, let's go. So We'll hold the steering with both hands. क्योंकि ऐसे सर्विस में क्या होता है कि हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है. Okay. These surround cameras, they'll help you to negotiate and plan your move. Okay. And throttle कितना रखना है? Throttle आपको about 1500 RPM रखना है. Constant acceleration. और जब सेंटर में पहुँचिए, try to balance the vehicle so that you land slowly and softly. Easy. Can I start? Start again. Basically, engine off was on. Okay, this is neutral, right? Yes. Okay. Let's go. Okay. Let's go. This is a bit tricky one. We have to take a right when we reach on the top. Slow. Start taking slow right. Ready? Easy. Jerks nahi aana chahiye. Chale. Slowly. Brake pe baitho. Matlab gaadi control mein rakhni hai humne. Itna easy rakho brakes. Zyada ho rahi. Haan, thoda seedha karo. Thoda seedha. Complete right.
कंप्लीट राइट। यस, अब यहाँ पे हम हिल डिसेंट कंट्रोल एंगेज करेंगे। ओके, सो दैट यू कैन गो डाउन इजीली विदाउट यूजिंग योर मैनुअल ब्रेक्स। ब्रेकिंग यू डोंट, यू कैन लीव द ब्रेक्स व्हेन आई टेल यू। ओके, कीप राइट, कीप राइट, कीप राइट, या स्लोली स्टार्ट लीविंग द ब्रेक्स एंड स्टार्ट करेक्टिंग द स्टीयरिंग व्हील। Both hands, both hands. You won't be able to control the This is ये hit ये hold के चक्कर में हो रहा है और ये जो jerk जो भी ये नीचे हाँ it applying the brakes for you. Okay. And try to keep the steering wheel straight. Do not move it too much here and there. Otherwise you won't be able to straighten it. Hold अभी off on है. हाँ. लेकिन आप ब्रेक्स ना थोड़ा सा हार्श या और जेंटली करो। स्लोली दिस इज एन इंक्लाइन व्हाट वी आर शोकेसिंग हियर। थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं। यस, स्टार्ट टर्निंग राइट। दैट If you drive, if you're driving on these kind of angles, like see what is my position where I'm sitting now, right? Yeah. I'm pretty much safe here. Mm-hmm. The low center of gravity, it keeps the vehicle safe and stable even at these angles. That is what we are showcasing with this obstacle. Chaliye, this way. I should be there. And yeah, two there. Into this, two on the top. Right, keep the vehicle in a straight line. Straight. Accelerate. अब नीचे से ऊपर क्लाइंब करना है, पहले ही मोमेंटम के साथ थोड़ा सा एक्सीलरेशन करना है। एकदम स्मूथली करना, ये जर्क्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो सी दिस इज सीरियस। ओके, तो इट हैज टू बी डन वेरी सीरियसली। ट्राई टू पुट द व्हीकल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइक कोई बात नहीं, अगर मैं अवॉइड कर सकता हूँ। नहीं, चलो इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। देखो उसको, ध्यान देखो पूरा, इधर उधर कहीं नहीं ना। यू हैव टू बी लाइक फोकस्ड ऑन द स्पॉटर, कैमरास, योर साइड व्यू मिरर्स, के वो पोल्स को टच ना करें, राइट, एंड योर जेंटल एक्सेलरेशन। चलो स्लो स्लो बट जेंटली, या इंक्रीज द मोमेंटम, बस धीरे धीरे। वंस वी रीच ऑन द टॉप विल स्टॉप। राइट, प्रेयर फॉर इट, स्टॉप, पूरा ऊपर जर्क एंड लाइट ब्रेक, एकदम ऐसे जर्क नहीं करना है। इतना टर्न करने का भी हमारे पास स्कोप नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपको साइड से गैप कितना है, जब आपका साइड व्यू मिरर पोल के पास जाएगा। चलिए, तो अपने हाँ जी चलिए, स्लो स्लो चेक आउट द मिरर्स, चेक आउट द मिरर्स, या होल्ड अभी ऑफ है जी। यू हैव टू लुक करेक्ट, slowly, very slowly. How was it? Nice. हो गया ना, अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही नहीं आना था। Now you know what this vehicle is capable of and what you are capable of. हम यहीं से लेफ्ट लेंगे। हाँ, शार्प लेफ्ट, इसका टर्निंग रेडियस भी काफी है। या डू दिस, अगर जैसे कोई ड्रॉप है लाइक अगर मैंने होल्ड लगा दिया राइट, और मैंने अगर ब्रेक से पैर हटा दिया अपना, सो इट विल ऑटोमेटिकली सेंस द एंगल एंड द वेट और वो अप्लाई करेगा ब्रेक। ओके जी,
और ऐसे नॉर्मल होना चाहिए, वो एक्चुअली होना चाहिए, इसको सेंस होना चाहिए। जी आपने ऑन कर दिया, अब मैं ब्रेक से पैर हटा सकता हूँ? हाँ हटाओ, वो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ओके, तो ये है इसका रियल एडवांटेज। ओके, इफ यू आर अप्लाइंग ब्रेकिंग तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा या मतलब रहेगा? नहीं, वो रहेगा, वो रहेगा, वो आपके पैर को पीछे करता रहेगा। सारा मैन्युअलिटी कोर्स ही है कि कितना शार्प एरिया में भी आप इजीली गाड़ी को मैन्युअल कर सकते हो, स्पेशली मार्केट पार्किंग एरियाज ऑल दैट स्टफ। कीप लेफ्ट, बहुत ही ध्यान से ये ब्रिज को क्रॉस करना है। हाँ, एकदम गाड़ी सेंटर में करने की कोशिश करो। ये देखो साइड व्यू मिरर से, उसको देखो इस पॉइंट से। यहाँ पे वो स्ट्रीट वाली हैबिट नहीं है, हम यूज करेंगे। क्या है गैप है? वो सिंगल हैंड वाला करता है स्ट्रीट वाला हैबिट। हाँ, एक्चुअली इसका ना हैबिट नहीं है, इतना पता चल नहीं रहा कि ये भी कोई चीज़ है हमें जो मॉनिटर कर रहे हैं। राइट राइट, नहीं वो एकदम से नहीं होता, हमें आदत नहीं पड़ती इसकी, इसको टाइम लगता है। भाई देखा आपने, मेरा सच बताऊं, मेरा जो लास्ट वाला ऑब्स्टिकल था ना, जहां ऊपर चढ़ाने थी क्लाइंब जो था भाई, मेरी सच में हालत खराब हो गई थी रैम में चढ़ाने में, सच में मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने कहा भैया अगर आप बोलते हो तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ, भैया ने कहा नहीं, अरे ऐसे कैसे, तभी तो कॉन्फिडेंस, अगर नहीं चढ़ाओगे कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा और अपनी कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी, ये भैया ने बोला था भाई ऑन कैमरा। और आपने मेरी शक्ल देखी होगी भाई, मैं यू था और एक ही आदत है स्ट्रीट वाली। बार बार भैया ने दो तीन बार मेरे को बोला था कि ये स्ट्रीट वाली हैबिट नहीं रखेंगे यहाँ पे, इससे भाई ग्रिप अच्छी मिलती है। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी कुछ चीज़ें, मतलब एक होता है ना वीडियोस वगैरह में ना, हम बस मतलब नॉलेज ही गेन कर पाते हैं यार, ठीक है, पता होता है कि हमें कि हाँ ये है वो है, बट भाई रियल टाइम एक्सपीरियंस गाड़ी चला के, वो भी ऑफ रोडिंग और वो भी एक्सपर्ट के साथ, और क्या चाहिए, है ना, और क्या चाहिए। मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। अगर आपको भी भाई किसी को अगर जीप का एक्सपीरियंस करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा सुमित भैया का, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करिएगा और वो फिर आपको गाइड करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में यही था, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग भाई, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, मतलब सपोर्ट के सपोर्ट की वजह से भाई गाड़ी चलाई, जीप को ऑफिशियल इवेंट कवर करा, अच्छी अच्छी मेमोरीज बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। और भाई आगे आगे बहुत चीज़ें आएंगी, अब एक मोटो ब्लॉग करते हैं बढ़िया सा, काफ़ी टाइम हो गया बात करे हुए, करते हैं एक मोटो ब्लॉग बढ़िया सा, जल्दी आएगा मोटो ब्लॉग। बाकी संडे अपनी तो, संडे तो हमने सोचा ही हुआ है, संडे इज अवर फंडे, है ना। बाय बाय, फ्लाइट।